नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 फरवरी 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों पहले आपको बता दें इस समय की जो बड़ी अपडेट आ रही है ना, कि 14 तारीख से दोस्तों सभी स्कूल खोले जाने के संबंध में आधिकारिक शासनादेश जारी हो चुका है। शासन के आदेश की कॉपी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्त ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और देखिए बड़ी अपडेट हो जाएगी 2021 बैच के छात्रों के लिए। तो भैया आप लोग की जो अब टीचिंग होगी ना वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगी, मतलब अब आपको स्कूल में जाकर टीचिंग करना पड़ेगा पूरे 30 दिन तक, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। उसके बाद फेल छात्रों के लिए क्या खबर है DLED में, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। स्कूटनी रिजल्ट की भी अपडेट कवर की जाएगी। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की जो भी अपडेट है उसको देखेंगे। और दोस्तों बात करेंगे परीक्षा की तारीख को लेकर। तो एक बात और आपको बता दें, कोरोना केसेस कितने आ रहे हैं जरा इसको दोस्तों आप देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों पहले आप ये देख सकते हैं जो ऑफिशियल शासनादेश जारी किया गया, मतलब अब सभी स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल दोस्तों अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जरा देखिए एक और अपडेट कि प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, ठीक है। वैकेंसी तो आ नहीं रही लेकिन अपडेट को देखेंगे। और आपको बता दें 24 घंटे के अंदर दोस्तों 48,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए और 804 लोगों की जान गई है। तो अब दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश की आबादी भैया 100 करोड़ से ज्यादा है और वहां पर अगर 48,000 केसेस आ रहे हैं तो ठीक है, अब कोरोना दोस्तों धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा की तारीख को लेकर। तो भैया प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करने वाले छात्र जरा ध्यान दें, ठीक है। अब दोस्तों आपकी परीक्षा निकट आ रही है, अब पेपर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहली बात दोस्त इसको जरा ध्यान दे दीजिए। अभी तक बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहा होगा कि हो सकता है कि कोरोना के कारण प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको पेपर देना पड़ेगा, तैयारी में लग जाइए। लापरवाही करेंगे तो दोस्तों फिर उसका नतीजा जो आएगा गलत होगा, ठीक है, फेल हो सकते हैं। और देख लीजिए आपको बता दें 2019 बैच के छात्रों को जब सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कराया गया था तो उस समय 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे, ठीक है, या बैक लग गई थी बच्चों की। तो वही होता है छोटी छोटी गलतियां, जब आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते तो ये गलती दोस्तों होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और आप लोग को लगता है इस विषय में हम बहुत ही अच्छे हैं लेकिन गलती से उसमें बैक लग जाती है, इस बात का आपको जरा ध्यान रखना है। देखिए मेन बात क्या है ना, दिक्कत कहाँ से आती है। अब आपके देखिए दोस्तों पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर और अंतिम दिन भी 3 पेपर। जब एक एक दिन में दोस्तों 2-2, 3-3 पेपर होता है तो बच्चे डर जाते हैं, जिस वजह से पेपर खराब होता है। बाकी दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आपके पास वेबसाइट है dledresult.com, ठीक है, dledresult.com। इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप लोग सारी लेटेस्ट अपडेट को देख पाएंगे, ठीक है, कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं, आप इस वेबसाइट पर लगातार चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोरोना के केसेस हम आपके सामने रख दिए हैं, कितने पद खाली है उसको देखेंगे। और देखिए प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही है भर्तियां। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी बड़ी अपडेट है, तो बच्चे खबर खोज खोज कर ला रहे हैं और हम आपके सामने रख रहे हैं। और आप इस शासनादेश को जरा देखिए, नर्सरी कक्षा 1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइंस यथा मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दिनांक 14/2/2022 से अग्रिम आदेशों से तक मतलब स्कूल खुले रहेंगे। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही, मतलब अब प्राइमरी स्कूल भी ओपन होगा, ठीक है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि चुनाव के बाद अब स्कूल खुले, लेकिन अब स्कूल को पहले खोला जा रहा है तो ठीक है। तो अब आप लोगों की जो टीचिंग है वो लग सकती है दोस्तों, और ऑफलाइन के माध्यम से ही लगेगी, मतलब आपको स्कूल में जाकर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। PNP के हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। DLED 2019 और 2021 बैच की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की अपडेट को भी देखेंगे, ठीक है। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आई है, OBC अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती मिली है। 6,800 रिक्त पदों पर नियुक्ति के शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, पूरी अपडेट को देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, राज्य से ही 210वीं एवं 12वीं पास छात्र दे सकेंगे TET परीक्षा। इस राज्य सरकार की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला है। तो दोस्तों इस अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। ये अपडेट आ रही दोस्तों हमारी झारखंड से। झारखंड में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TET में अब वही उम्मीदवार बैठ पाएंगे जिन्होंने राज्य से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि हाई स्कूल या इंटर पास हैं तो आप देखिए उसके बाद क्या लिखा, साथ ही हर जिले में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इसके लिए विस्तृत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
झारखंड में क्लास 1 से लेकर 5 और क्लास 6 से लेकर 8 में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 बनाई है। गुरुवार को भी राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने पूर्व में तय किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन किए हैं। इसमें दो बड़े संशोधन है कि पहला संशोधन यह है कि 200 इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को झारखंड से ही 200 मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करना अनिवार्य है। वही दोस्तों दूसरा बड़ा संशोधन जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आई झारखंड से। तो देखिए हर एक अपडेट आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में क्या चल रहा है और क्या क्या वहाँ पर नई नई चीजें हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ओबीसी वाला मामला क्या है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने वाले छात्रों के भैया अधिकांश जो संख्या है ना वो ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी से आती है, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या एससी कैटेगरी के, तो भैया आपके लिए क्या क्या बड़ी खबर है जरा देखिए समझिए। प्रयागराज से अपडेट है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए, मतलब 6,800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में। नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश को याचिका में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी के ने मतलब प्रतीक मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई, इसके बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है। 6,800 ओबीसी के पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। जरा देखिए इस बार 6,800 जो सीटें थी ओबीसी कैटेगरी की और एससी की, देखिए एससी का नाम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को एससी में भी नियुक्ति मिली है, तो सोचिए उनके पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया, मतलब जनरल कैटेगरी के छात्रों को नौकरी दे दी गई। तो क्या दोस्तों यह आरक्षण घोटाला नहीं है? देखिए इस पर शासन ने यह तय किया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों को ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उसकी जगह खाली पड़े पदों पर 6,800 ओबीसी अभ्यर्थियों को अलग से नियुक्ति कर दी जाएगी। मतलब सोचिए जो सीटें खाली है, मतलब दोस्तों ये धोखा सीधे सीधे 2017 बैच के साथ है, 2018 बैच के साथ है, 2019 बैच के छात्रों के साथ बड़ा धोखा। जो रिक्त पद है दोस्तों उसमें नई वैकेंसी आती है, आपको मौका मिलता है शिक्षक भर्ती में, ठीक है। अब पता है 6,800 बच्चों को ये नौकरी दे देंगे तो नुकसान किसका है? आपका है ना। ये नई भर्ती की दोस्तों सीटें मारी गई हैं, इसको जरा समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। उसके बाद देखिए इसे लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि बिना विज्ञापन जारी किए गए नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता भी अहर अभ्यर्थी है और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। रिक्त पदों को सरकार बिना विज्ञापन जारी किए और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए नहीं भर सकती है। तो दोस्त ये बात है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर देखिए आपका ही नुकसान है। सोचिए मतलब आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा तो फिर आप लोग भूल जाएंगे आपको कभी नौकरी लगेगी। मतलब 69,000 भर्ती के बच्चों को, मतलब सोचिए एक तो आरक्षण घोटाला इनकी वेबसाइट से होता है, जैसे भी होता है। अब सोचिए दोस्तों 6,800 बच्चों को डायरेक्ट नौकरी दे रहे, इसको कहा जाएगा डायरेक्ट तौर पर नौकरी देना, ठीक है। मतलब ये इन्होंने 6,800 उन बच्चों को नौकरी दे दी जिनको भैया योग्यता ही नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए जिन बच्चों की मेरिट कम है उनको नौकरी दिया गया गलत तरीके से, ठीक है। तो ये नई भर्ती की सीटें दोस्तों क्या हो गई, कम हो गई। अब वैसे दोस्तों बच्चे बार बार कोर्ट में जाते रहेंगे और जो भी सीटें, मतलब देखिए सरकार ने ये कहा था कि हम 17,000 पदों पर नई वैकेंसी लाएंगे। अब सोचिए अगर 17,000 पदों पर वैकेंसी आती है, अगर ये 6,800 सीटें और इसमें जोड़ ली जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा ना, नौकरी पाने की आपकी संभावना बढ़ेगी। एक एक सीट के लिए दोस्तों मारा मारी, एक चीज आपको बता दें, कभी अगर 1,00,000 पदों पर वैकेंसी आ भी जाती है ना तो आपको 1,00,000 में से सारे पद नहीं लेने, सिर्फ आपको अपनी एक सीट से मतलब है, ठीक है। ये दोस्तों चीजें हैं, बाकी हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक देते हुए चलेंगे जहां पर आप तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की लेटेस्ट अपडेट को और परीक्षा की ऑफिशियल डेट शीट को देख सकेंगे। स्कूटनी रिजल्ट की जो भी अपडेट आएगी कमेंट बॉक्स में लिंक है, यूपी टेट और सीटेट रिजल्ट का लिंक दिया जाएगा जहां से आप लोग अपना टेट का रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी अपडेट्स हैं, लगातार अपडेट्स का दौर जारी है। बाकी चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। फिलहाल दोस्तों आरक्षण घोटाले को जरा आप लोग ध्यान में रखिए, चुनाव का समय है, आप लोग वोट देते समय बहुत ध्यान दीजिएगा इस बार। अगर आप इस बार गलत सरकार चुन ली तो 5 साल और आप बेरोजगार रहेंगे, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, इतने साल से अगर आप लोग बेरोजगार चल रहे हैं, अगर आपने गलत सरकार लाई किसी भी लालच में, तो 5 साल और आप बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, चुनाव का समय है, बाकी बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, देखते हैं कौन कितने वादे पूरे करता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।